अरमापुर पीजी कॉलेज में बौद्धिक सत्र का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं विशेष रिपोर्ट। आज अरमापुर पीजी कॉलेज में एनएसएस के बौद्धिक सत्र में आज के मुख्य अतिथि श्रीमती अंकिता वर्मा कानपुर महानगर महिला थाना अध्यक्ष ने करियर काउंसलिंग करते हुए अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने कहा, यदि लक्ष्य निर्धारित हो तो परिश्रम, लगन और अध्ययन चलता हमें अवश्य सफल मिलेगी। इस अवसर पर परिवार परामर्श केंद्र की काउंसलर डॉक्टर सुषमा सिंह ने अपने उद्बोधन में छात्र छात्राओं को यह बताया कि किस प्रकार विद्यार्थियों के लिए पुरातन साहित्य में निर्धारित 5 लक्षण अति आवश्यक है। यदि इन 5 को समावेश विद्यार्थियों को व्यक्तित्व में होता है तो वह अवश्य सफल होगा। काक चेष्टा, वाको ध्यानम, श्वान निद्रा, तथ्योचा, अल्पहारी, गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। इस अवसर पर विशिष्ट वक्ता के रूप में आमंत्रित वंदना वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक सुश्री वंदना सोलंकी ने अपने व्यक्तिगत जीवन का उदाहरण देते हुए आह्वान किया, कार्य कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। यदि प्रयास करने के बाद भी सरकारी नौकरी या नहीं मिलती है तो अपना छोटा व्यवसाय भी शुरू किया जा सकता है। हमें उन बाधाओं को पार कर केवल पॉजिटिव सोच के दायरे में रहकर ही कार्य करते जाना है और लोग क्या कहते हैं इसकी चिंता नहीं करनी है, तभी हम सफल हो पाएंगे। इस बौद्धिक सत्र का संयोजन एवं संचालन डॉक्टर सारिका सिंह, डॉक्टर सारिका त्रिपाठी ने किया। आए हुए अतिथियों का सम्मान पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए डॉक्टर गायत्री सिंह ने विद्यार्थियों का उत्साह वर्धन किया। कानपुर से प्रवीण सिंह की विशेष रिपोर्ट।